एवरीवन, दिस इज जेके फ्रॉम जेके कुकरी क्लासेस। सो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग गुजराती और काठियावाड़ी रेसिपी बनाएंगे, विच इज़ बाजरानो रोटलो। सो ये बाजरे की भाकरी बेसिकली बनाना बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी होता है, और आज मैं आपके साथ एकदम इनोवेटिव और सिंपल तरीका शेयर करूँगा। सो आज हम तीन तरीके से बाजरे की रोटी बनाएंगे, एक ट्रेडिशनल वाला, एक जो बेल के बनाते हैं वो, और एक मैं एक यूनिक तरीका आपको बताऊँगा। सो तीनों तरीके से हम एक एक भाकरी बनाएंगे और तीनों का रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम ही होता है। जो लास्ट वाला है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है उसका। सो अभी हम सबसे पहले हमारा गैस ऑन करेंगे। सो अभी हम बनाएंगे हमारा लोलवाणी। सो लोलवाणी बेसिकली सॉल्ट और पानी का मिक्सचर होता है, उसे बोलते हैं लोलवाणी। सो ये मैंने पानी लिया है और इसमें हम डाल देंगे नमक। तो ट्रेडिशनली गुजरात में ऐसे ही बाजरे की भाकरी बनाई जाती है। सॉल्ट आपको अपने टेस्ट अनुसार लेना है, आप कितना पानी ले रहे हो वो हिसाब से डिपेंड करेगा, ठीक है। सभी हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। सो हमें इसे तब तक मिक्स करना है जब तक हमारा सॉल्ट पानी के साथ अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। तो हमारा नमक इसमें अच्छे से डिसॉल्व हो गया है और हमारा लोलवाणी बनके रेडी है, ठीक है। सो आज आपको बहुत सारे यूनिक गुजराती वर्ड सुनने मिलेंगे। सो ये मैंने ये लिया है एक बाउल, इसमें हम बाजरे का आटा डालेंगे। बाजरे का आटा आपको रेडीमेड वाला नहीं लेना है, आप खुद मिल में जाके पिसवा के लोगे, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अभी आप चाहो तो बाजरा और ज्वारी दोनों का मिक्सचर भी कर सकते हो, जैसे कि 3 kg आपका बाजरा हुआ तो आप 1 kg उसमें ज्वारी डाल के भी पीसवा सकते हो, उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। आप चाहो तो 2-3 grain मिक्स करके भी कर सकते हो, जैसे बाजरा हो गया, नाचनी हो गया, ज्वारी हो गया, मकई हो गया, सो उसका भी बहुत अच्छा लगता है ये भाखरी, ठीक है। सो अभी हम रोटला बनाना स्टार्ट करेंगे। सो गुजराती में हम इसे रोटला बोलते हैं। सो ये मैंने लिया है आटा। सो ये मैं तीन से, और इसमें ऐसा होता है कि आप एक साथ आटा बना के नहीं रख सकते तो उसका रिजल्ट ना अच्छा नहीं आता। सो आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है, आप रोटला बनाने के लिए हर बैच का सिंगल सिंगल टाइम आटा गूंदोगे तो उसका रिजल्ट ही बहुत ज़्यादा अच्छा आता, ठीक है। सो ये मैं आटा ले रहा हूँ, आप जितना बड़ा बना सको उतना बड़ा आप अपना लोई बना सकते हो। तो ये मैंने ऐसे फुल भर के 4 चम्मच आटा लिया है, ठीक है। सो अभी हम हमारा आटा गूंदेंगे। आटे गूंदने के लिए मैं आपको बहुत सारे टेक्निक्स बताऊंगा सिंपल तरीके से कि आप आटा कैसे गूंद सकते हो। सो ये पानी आपको ऐसे लेना है और आप जस्ट ऐसे मिक्स करते जाओगे। सो अभी हम हमारा डो बना लेंगे। सो आपको ये मैंने एक बार पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है। सो अभी हम इसमें ऐसे पानी लेते जाएंगे और हमें ऐसे मिक्स करते जाना है। सो आपको ऐसे अच्छे से मसल के मिक्स करना है इसको। सो देखो इसमें ना कोई भी टाइप का ग्लूटन नहीं होता है। सो इसको हमें देखो ये ऐसे टूट जाता है, दिख रहा है। सो हम इसको जितना अच्छे से नीड करेंगे ना उतना हमारे भाकरी या रोटले में अच्छा वाइटनेस आता है और वो जो ग्लूटन है वो बहुत अच्छे से फॉर्म होता है इसमें। सो अभी हम इसे अच्छे से मिक्स नीड करेंगे। सो इसके नीड करने के टेक्निक होते हैं, जैसे हमारा गेहूं का आटा होता है वैसे हम इसको नहीं कर सकते, ठीक है। सो ऐसे हम एक बार अच्छे से बाउल पूरा क्लीन कर देंगे यही डो की हेल्प से। सो अभी हम जस्ट हमारा हाथ पानी में ऐसे डिप करेंगे और ये जो डो है हम ऐसे तोड़ेंगे इसको, और फिर से हम इसी से इसको मिक्स करते हुए ऐसे तोड़ के जस्ट हमें इसे घुमाते हुए मिक्स करते जाना है। ठीक है। सो ऐसे करते हुए हमें 1-2 मिनट के लिए इसे अच्छे से मसल लेना है।
गुजराती में हम इसे गूंदना बोलते हैं। तो इसे मेन ये जो पोर्शन होता है इससे गूंदा जाता है, ये फिंगर्स ऐसे ही होते हैं और इसको ऐसे जस्ट ऐसे करके आपको इसे ऐसे गूंदना है। सो हमारा आटा अच्छे से बन के रेडी है। सो अभी हम देखेंगे ट्रेडिशनल तरीका। सो ये मैंने डो लिया है, ये मुझे ज़्यादा लग रहा है मेरे तवे के हिसाब से। सो मैं इसे थोड़ा साइड में रखूँगा, ये हम दूसरे बैच में यूज़ कर देंगे। सो सबसे पहले आपको इसे ऐसे अच्छे से राउंड कर देना है और यही बाउल या कोई भी आप परात वगैरह ले रहे हो उसकी हेल्प से आप इसे अच्छे से ऐसे रोटेट कर लेना। सो ऐसे आपको इसे अच्छे से रोटेट करना है। सो इसके लिए ऐसा आटा होना चाहिए कि आपको हाथ में चिपकना नहीं चाहिए, ठीक है। सो अभी हम इसे ऐसे प्रेस करते हुए इसको रोटले का शेप देंगे, भाकरी का। सो गुजराती में हम इसे टीपना बोलते हैं। सो हवे आपड़े आ रोटला ने टीपी लेसू। सो ये जो मेन एरिया है दोनों हाथ का हमें ये यूज़ करना है और हम इसे ऐसे टीपते जाएंगे। ठीक है, सो हमारा एजेस पूरे हो गए हैं। अभी हम धीरे धीरे पूरा पाम का यूज करेंगे। अभी हम इसे उंगलियां अच्छे से फैलाते जाएंगे। जहाँ पे भी क्रैक्स आते हैं आप ऐसे प्रेस करके इसे जोड़ सकते हो। सो अभी हम इसे हमारे तावड़ी में डालेंगे, जो मिट्टी का जो पैन है उसमें। सो हमारा सबसे पहले जो रोटला बनाने का जो टेक्निक होता है, हमारा जो ये तवी है हाई फ्लेम पे होना चाहिए। अगर इसका फ्लेम कम होगा, अच्छे से हीट नहीं हुआ रहेगा ना, तो हमारे भाकरी में बहुत ज़्यादा क्रैक्स आते हैं। सो अभी हम इस पर डालेंगे। तो आपको डालते टाइम भी ध्यान रखना है, नहीं तो बीच में से क्या होगा, ऐसे बबल आएगा, उसे बोलते हैं भमरो उपड़वानू। सो वो नहीं होना चाहिए, वहाँ से ना रोटला एकदम येल्लोइश हो जाएगा। सो वो नहीं होना चाहिए। सो आप अच्छे से डालेंगे कि उसमें हवा ना भर जाए, ठीक है। सो अभी देखो ये यहाँ से ड्राई पकना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। सो अभी हम इसे तवीते के हेल्प से ऐसे अच्छे से घुमा लेंगे। सो ये अच्छे से निकल चुका है। सो अभी हम इसे इसमें डाल के ऐसे हमें इसमें अच्छे से फैला देना है। सो अभी आप देखो ये थोड़ा कच्चा पक्का होना चाहिए फर्स्ट साइड, तो ही वो अच्छे से फूलेगा, ठीक है। सो अभी हम इसे अच्छे से कुक करेंगे सेकेंड साइड को। सो अभी हमारा सेकेंड साइड भी अच्छे से पक चुका है। सो फिर से आपको आपका तवी था जो है अच्छे से ऐसे घुमा लेना है। ये जो बनाने का जो मेन जो मज़ा आता है ना, वो चूल्हे पे आता है, ठीक है। देखो यहाँ पे बीच में अच्छे से पक गया, यहाँ से थोड़ा कच्चा है। सो हम यही साइड बीच में ऐसे रखेंगे और उतना एरिया हम अच्छे से पका लेंगे। सो ऐसे आपको एडजस्ट अच्छे से पका लेनी है और ना आपको बार बार इसे फ्लिप नहीं करना, नहीं तो ना ये अच्छे से फूकता नहीं है, ठीक है। सो अभी ये सब साइड से अच्छे से पक गया, यहाँ पे थोड़ा सा कच्चा है। सो फिर से हम यहाँ से थोड़ा ऐसे पका लेंगे। सो अभी ये पक गया है, अभी हम इसे ऐसे फ्लिप करेंगे। अभी भी आपको फ्लेम हाई ही रखना है, स्टार्ट टू एंड एक ही फ्लेम पे पकना चाहिए, नहीं तो ना अच्छे से पकता नहीं है, ठीक है। सो ये है हमारा एकदम ट्रेडिशनल तरीका बाजरे का रोटला बनाने का। सो अभी ना आप इसे जस्ट ऐसे ऊपर से टैप करेंगे थोड़ा सा, इसके जो लेयर है वो दोनों सेपरेट होने लगे। जस्ट आपको ऐसे आप इसके हेल्प से भी ऐसे जस्ट थोड़ा पीट सकते हो इसे। सो अभी इसमें हीटिंग आएगा यहाँ से और बीच में से फिर वो ऐसे पफ अप होएगा। सो अभी आप देख सकते हो ये लाइट हो गया है यहाँ से एकदम, मतलब कि ये फूक गया है अच्छे से।
सो आपको अच्छे से ऐसे लाइटली टैप कर देना है कि जहाँ पे भी नहीं फूगा होगा वहाँ पे अच्छे से ये फूल जाए। सो हम एक बार चेक कर लेंगे कि ये जल ना जाए। तो अभी ये अच्छे से फूल गया जैसे आप देख सकते हो, बट ये आधा ही फूला होगा क्योंकि यहाँ से ये बैठा हुआ है। तो जैसे आप देख सकते हो ये साइड से फूला, ये साइड से नहीं फूला, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेयर्स हमारे सेपरेट हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम इसे एक प्लेट में ले लेंगे ऐसे, और हम इसमें गरम गरम में घी लगाएंगे। सो ये जो फूला हुआ पोर्शन है आपको इसे ऐसे कट करना है। या आप ढाबे वगैरह में जाते हो ना, वहाँ पे बहुत मज़ा आता है शेव टमाटर की सब्ज़ी के साथ इसे खाने के लिए। सो अभी हम इसे गरम गरम ही ऐसे लेयर्स सेपरेट करेंगे। सो अभी हम इसमें घी लगा देंगे। हमने इसमें घी लगा दिया, हम अच्छे से इसे स्प्रेड कर देंगे। और हम ये अच्छे से ढक देंगे और थोड़ा घी हम ऊपर भी जस्ट ऐसे डाल देंगे, ठीक है। सो ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल मेथड। अभी हम बनाएंगे सेकेंड वाला मेथड जो हम बेल के करेंगे। सो ये जो बचा हुआ आटा है इसी में हम दूसरा आटा डालेंगे। सो अभी हमने इसमें आटा डाल दिया है। सो जैसे हमने पहले देखा था वैसे ही हमें सेम आटा बनाना है। सो तीनों के लिए आटा का मेथड सेम ही होगा। सो अभी हमारा आटा बन के रेडी है। सो ये एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है। सो ये हमारा लोई हमने बना दिया है, इसे हम साइड में रख देंगे। सो ये मैंने लिया है एक चकला, और ये मैंने दो प्लास्टिक की पॉलीथीन को कट करके लिया है। तो ये मैंने रखा इसके ऊपर, और ये आटा जो हमने बनाया था वो हमने इस पे रख दिया है। अभी हम जो ये सेकेंड वाला पॉलीथीन है ये हम इसके ऊपर रखेंगे, और हमें जस्ट इसे अच्छे से प्रेस कर देना है। तो हमने हाथ से इसे इतना फैला दिया है। अभी हम बेलन की हेल्प से इसे बेलेंगे। इसे भी जस्ट आपको लाइट प्रेशर के साथ इसे बेलना है। सो ये आप अपने अकॉर्डिंगली बेल सकते हो, जितना आपको पतला चाहिए, जितना मोटा। सो जहां आपको मोटा लगे फिर आप वहां पे थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर देना, ठीक है। सो अभी ये अच्छे से बेल चुका है, हम इसका ऊपर वाला जो प्लास्टिक है वो निकाल देंगे। ये हम हमारे हाथ पे ऐसे ले लेंगे और ये प्लास्टिक हम निकाल देंगे। सो अभी हम इसे हमारे तवी पे डालेंगे। सो जैसे आप देख सकते हो ये थोड़ा सा बड़ा हुआ है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से पकेगा इसमें। तो जैसे आप देख सकते हो ये आटा हमारा अच्छे से ऊपर का साइड ये ड्राई हो जाता है। सो आपको पता चल जाएगा कि नीचे का जो पोर्शन है वो आधा पक गया है। सो अभी हम इसे अच्छे से स्क्रैप करेंगे ऐसे। सो पूरा आपको अच्छे से घुमा लेना है, और इसी को अंदर डाल के आप ऐसे इसको खींचेंगे। अभी हम इसे पलटा देंगे, ठीक है। सो अभी हम इसे अच्छे से पका लेंगे। जो फर्स्ट साइड होता है वो आधा पका हुआ होना चाहिए, मतलब अध काचो हो वो जुए, जिससे क्या होगा ये अच्छे से फूलेगा फिर, ठीक है। सो अभी ये अच्छे से पक चुका है, हम इसको एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे। सो ये साइड से पक चुका है। ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है, या तो आप चाहो तो इसे कट भी कर सकते हो, नहीं तो सबसे सिंपल तवी ही बड़ा लेना है। सो ये जो कच्चापन है वो हमें पका लेना है एक बार।
सो अभी हम इसे पलटा देंगे, ये अच्छे से पक चुका है। ठीक है, सो हम इसे ऐसे ही एक आध मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर हम इसे टैप करेंगे। सो जो भी साइड्स होंगे वो अच्छे से लूज हो जाएंगे और ये अच्छे से फुगेगा। तो देखो ये अभी अच्छे से हम मार रहे हैं तो ऐसे फुगा फुगा दिख रहा है, ऊपर से आपको फील होगा कि ये फुला है कि नहीं। सो हम एक बार चेक कर लेंगे। तो जैसे आप देख सकते हो इसके दोनों लेयर अच्छे से सेपरेट हो गए। अभी हम इसमें घी लगा देंगे। सो आप इसे ब्रेकफास्ट में एंजॉय कर सकते हो, दूध के साथ ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, या नाइट में आप कढ़ी वगैरह के साथ भी इसे खा सकते हो। सो जो सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है वो हैवी होना चाहिए, सो पूरा दिन अच्छे से निकलता है, और नाइट का जो मील होता है वो लाइट होना चाहिए। सो ये आप ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हो, और ये विंटर में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने के लिए। सो अभी हम हमारा इजीएस्ट और सिंपलेस्ट मेथड ट्राई करेंगे, थर्ड मेथड। सो अभी हमारा डो मैंने अच्छे से बना लिया है, अभी हम देखेंगे सिंपलेस्ट और इजीएस्ट मेथड। सो ये बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत जल्दी बन जाता है। ठीक है, सो अभी हम इस पर एक कॉटन का कपड़ा रख देंगे। सो अभी हम इस पे रखेंगे हमारा ये आटा, और हम इसे अच्छे से बीच में से ऐसे प्रेस करेंगे, और हमें ऐसे इसको बेलते जाना है। आपको लगे कि ये ड्राई हो रहा है तो आप इस पे थोड़ा सा पानी लगा सकते हो, फिर आप इसे अच्छे से प्रेस करिए। फिर आप ऐसे कपड़ा घुमाते जाइए और फिर इसे अच्छे से शेप देते जाइए। सो आपको इसे अच्छे से इवनली स्प्रेड कर देना है। जब ये पूरा हो जाए फिर आपको अपनी हथेली की हेल्प से इसे जस्ट ऐसे टीप देना है। ठीक है, और ये कपड़ा पतला होना चाहिए और एकदम ड्राई होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। सो अभी हमने इसे अच्छे से कर दिया है। अभी आप चाहो तो इसका जो एजेस है वो आप ऐसे सेट कर सकते हो इसकी हेल्प से ऐसे। अगर आपको राउंड प्रॉपर शेप देना है तो इसका शेप मैटर नहीं करता। ठीक है, सो अभी अच्छे से रेडी है, अभी हम इसे ऐसे फ्लिप कर देंगे, तवे पे डाल देंगे। तवे पे डालने से पहले जो ये एक्स्ट्रा जो होता है ये सब आपको ऐसे निकाल देना है। सो अभी हम इसे हमारे तवे पे डालेंगे। सो अभी हम इसे अच्छे से स्क्रैप करके पलट देंगे, गुजराती में हम इसे उठलाना बोलते हैं। अभी हम हमारा सेकेंड लेयर अच्छे से पक चुका है, हम ऐसे इसे ऐसे घुमाते हुए अच्छे से फ्लिप कर देंगे। और हमें इसे ऐसे 30-40 सेकेंड के लिए छोड़ देना है कि वो फूले। जैसे वो फूलना स्टार्ट होगा फिर हम इसे अच्छे से ऐसे टैप करेंगे कि जो भी इसके जो लेयर्स होंगे चिपके वो ऐसे खुल जाएंगे। तो ये भी अच्छे से पक चुका है। ठीक है, अभी हम इसमें घी लगा देंगे। आप डायरेक्टली इस पे भी घी लगा के फिर ट्रांसफर कर सकते हो, बट ये हमारा लास्ट वाला था इसके लिए हम इसी पे रख रहे हैं, नहीं तो ये जल जाता जब तक हम घी लगाते हैं। ठीक है,
सो अभी हमने तीनों तरीके से हमारा रिजल्ट देखा है, ऑलमोस्ट सेम ही आता है तीनों में भी। सो जो आपको मेथड ज़्यादा कन्वीनियंट लगे, आपको जो ज़्यादा सिंपल लगे, वो मेथड आपको ट्राई करना है। और वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको सबसे अच्छा मेथड कौन सा लगा, और ट्राई करके मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करना है, जेके कुकरी क्लासेस, मैंने लिंक नीचे दे दिया है। सो जल्दी से जाइए, ये बनाइए और मुझे जल्दी से अच्छे फीडबैक दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ, आपको वीडियो ज़्यादा यूज़फुल लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आपके साथ ऐसी नई नई रेसिपी शेयर करते रहूँगा। थैंक यू सो मच।